हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हेमा। तो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं करमुआ का साग। इसे नारी का साग भी कहते हैं और ये बरसात के सीज़न में ज़्यादा आता है, और ऐसे तो अब हर सीज़न में मिलने लगा है। तो चलिए इसे देखते हैं आज हम कैसे बनाते हैं। इसका साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसे दाल चावल के साथ में खाइए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको बनाने से पहले हमें इसको साफ़ करना होता है। तो साफ़ करने के लिए ये छोटी छोटी गड्डियों में मार्केट में मिलता है, तो इसकी सबसे पहले हम गड्डियों को खोल लेंगे। जो भी इसमें बंधन लगा है उसको हटा देंगे और सारी गड्डियों को खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसको 4-5 पानी से अच्छी तरीके से धुलेंगे, क्योंकि ये पानी में पाया जाता है तो काफ़ी गंदा होता है, मिट्टी लगी होती है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से धुलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने सारे साग को खोल के रख लिया है। अब इसको किसी बड़े बर्तन में डाल के 4-5 पानी से धुल लेंगे। तो गाइज, यहाँ पर हमने साग को 4-5 पानी से अच्छी तरीके से धुल लिया है और इसको डलिया में करके हमने रख दिया है। थोड़ा सा पानी भी इसका सूख गया है। अब इसको हम काट लेंगे। तो काटने के लिए इसको हम पहले साफ़ करेंगे। तो इसकी जो मोटी डंठल हैं या फिर खराब पत्तियाँ हैं उसको हम हटा देंगे। तो गाइस, इस साग में डंठल ज़्यादा होती है, पत्तियाँ कम होती हैं, तो इसकी जो मुलायम वाली डंठलें होती हैं उनको हम साथ में काट लेते हैं। तो इस तरह से ख़राब पत्तियों को और मोटी डंठलों को हटाने के बाद हमने इसका एक बंच तैयार कर लिया है। तो इस साग को हम बारीक बारीक सा काट लेंगे। जितना बारीक कटा होता है साग उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये काम आप कभी खाली बैठे हों तो उस समय भी कर सकते हैं। साग कटा हुआ रखा होता है तो बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो बस इसी तरीके से हमें पूरे साग को काट लेना है। तो ये देखिए गाइज, हमने सारे साग को काट लिया है। ये देखने में तो बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन बनाने के बाद बहुत ही कम हो जाता है। इसको बनाने के लिए लिया है हमने एक कढ़ाई, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए, क्योंकि जो इसमें हार्ड स्मेल होती है उसको निकालना ज़रूरी है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हमने डाल दिया है जीरा, 5-6 लहसुन की कलियाँ डाल दी है। लहसुन हल्का सा भुन गया है। अब इसमें हमने डाला है 3-4 हरे मिर्च, 2 लाल मिर्च को डाल दिया है। लाल मिर्च, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये साग। साग को अभी हमने थोड़ा डाला है और थोड़ा डालने के बाद इसको हम चला देंगे, क्योंकि कढ़ाई अगर पूरी भर जाती तो चलाते नहीं बनता। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा साग डालते जाइए और इसको चलाते जाइए, जिससे जो भी इसमें हमने मसाले डाले हैं वो सारे साग में आसानी से मिल जाएँ। और बाकी का बचा हुआ साग भी इसमें हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर गाइस, हमने सारा साग इसमें डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब इसको हम ढक देंगे और ढकने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 2-2, 3-3 मिनट के बाद इसको हम चलाते रहेंगे, जिससे कि ये जल ना जाए। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं और तो इसको हम चला देते हैं। जैसे ही ये पकना शुरू होता है इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाती है। इसको हम फिर से ढक देते हैं। तो इसी तरीके से आप 2-3 मिनट, 4 मिनट के बाद में बीच बीच में इसको चलाते रहिए। अब जब थोड़ा सा कम हो जाए तो इसमें हम नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप साग जब थोड़ा सा पक जाए तभी डालें, क्योंकि नमक पहले डाल देने से साग में काफ़ी पानी छूट जाता है और साग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो नमक का अंदाज़ा भी नहीं लग पाता है कि नमक कितना डालें। कई बार ऐसा होता है कि नमक अगर पहले डाल देंगे तो नमक ज़्यादा भी हो सकता है। पालक बनाइए, बथुआ बनाइए, आप कोई भी साग बनाइए, आप नमक थोड़ा बाद में डालिए। तो इसको पकाते हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं और ये साग देखिए बहुत ही बढ़िया से पक गया है और अब इसमें बिल्कुल भी पानी भी नज़र नहीं आ रहा है, अच्छी तरीके से पका हुआ है। इसमें कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो ये बस बनके तैयार हो गया है। अब इसको सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ में, रोटी के साथ में या फिर दाल चावल के साथ में खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।